हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो सेकंड संडे है 2021 का और सेकंड वीडियो आज आ चुका है, आप देख रहे हैं। और वेलकम टू द सीरीज ऑफ मेकिंग ऑफ डुकाटी मल्टीस्ट्राडा 1200S बाय इंडियन कार्डबोर्ड आर्टिस्ट। सो गाइस, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि इस बार एक नए पार्ट के साथ आएंगे, तो ये जो पार्ट है ये है एक साइड फेयरिंग। जो साइड पैनल्स होते हैं डुकाटी मल्टीस्ट्राडा के, उनको बनाना एक्चुअल में काफ़ी डिफिकल्ट रहा, क्योंकि एक के बाद एक थ्री लेयर्स थी कार्डबोर्ड की डिज़ाइन की बनी हुई, और उसको एडजस्ट करना एक सिंगल वे में ताकि वो एक सिमिलर दिखे, जैसा कि आइडेंटिकल है शेप में, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था। तो अभी बातों में समझाऊंगा तो शायद समझ ना आएगा, तो फिर आपको चलिए आज चलिए वीडियो में दिखाते हैं। उससे पहले जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो भी मेरी अपडेट होगी वो आपको साथ ही साथ मिलती रहे। तो चलिए गाइस, चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि आज क्या बना है। लेट्स गो। तो गाइस, ये रहा अपना फिर से स्टोर रूम। लास्ट वीडियो में आपने देखा था, ये है मल्टी, ये है कुछ वेस्ट पड़े कार्डबोर्ड्स। आप लोगों के लिए ये थोड़ा वेस्ट है, बट मेरे लिए यही सोना है और यही सब कुछ है। तो भाई बैठ जाते हैं अपने आसन पे। ये रहा बॉक्स, ये है ट्राईपोर्ड, मैंने मंगाया था अमेजोन से। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इट्स अ 7 फीट हाइट ट्राईपोर्ड, वेरी गुड। आई बॉट दिस फॉर 700 रुपीज़ एंड समथिंग, सो आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन सो यू गैस कैन चेक इट आउट। सो आई होप कि उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जो भी टाइम लैप्स होंगे मैं साथ ही साथ इसमें वीडियो में डाल देता हूँ, एडिट कर रहा हूँ टाइम लैप्स भी, और कुछ नॉर्मल स्पीड के शॉट्स होंगे ये साइड पैनल्स बनाते हुए, तो वो भी मैं आपको डालूंगा। और एक्चुअल में क्या रहा है कि ये जो साइड पैनल्स हैं ये वन टाइम में पॉसिबल नहीं हुए थे, ये फोर्थ टाइम इसको मैंने जब ट्राई किया है ये तब बना है, तभी इसको वीक लग गया, जबकि मैं लेके चल रहा था कि 2 दिन के अंदर अंदर मुझे फाइनलाइज करना है इस चीज़ का। तो अभी क्या है कि अभी भी ये फाइनलाइज बिल्कुल नहीं है, जस्ट क्या है कि जो इसकी रॉ शेप है वो आ चुकी है, इसके ऊपर कोटेड होना है सब कुछ और कलर वलर होना है, तो वो आई होप कि नेक्स्ट वीडियो में ही हो पाएगा, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा हो गया। अभी काफ़ी टाइम से आर्ट वर्क भी नहीं किया था, तो जो जो शायद स्पीड था या जो पैशन था वो थोड़ा अभी उस उफान पे नहीं है जो होना चाहिए, बट आएगा ज़रूर, टाइम लगेगा। तो मेन जो अभी चीज़ थी वो ये थी कि मुझे कंटिन्यूटी ज़्यादा पसंद है अभी इस चीज़ को लेके, कि मैं इस चीज़ में कंटिन्यूस रहूँ। ये मैटर नहीं करता कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो या छोटा हो, वो चीज़ अभी मैटर नहीं करती, जो चीज़ मैटर करती है वो होती है कि कंटिन्यूस होना। तो इस वजह से ये वीडियो बन रहा है। Check the mic and make sure it sound right, boys. Sound right, boys. Sound right, boy.